हम इस मौके पर हुकूमत से मुनाफकाना अंदाज के खात्मे का मुतालबा करते हुए इस बात का भी मुतालबा करते हैं कि आजाद कश्मीर, कश्मीर से आजाद होने वाला जो हिस्सा है ये मुज़ाकरात से आजाद नहीं हुआ था, ये जिहाद से आजाद हुआ था। लिहाजा जो कश्मीर का मकबूजा हिस्सा है, जो मकबूजा वादी है कश्मीर की, ये मकबूजा वादी भी मुज़ाकरात से कभी आजाद नहीं होगी। तो इस बुनियाद पर ना मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जाए, ना मोदी से मुज़ाकरात की भीख मांगी जाए, बल्कि अक़वामे मुत्तहिदा को एक डेडलाइन दी जाए कि फलां तारीख तक अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक खुद यूनाइटेड नेशन कश्मीर के लोगों को वोट का हक देकर उनको फैसले का मौका दे। ये पाकिस्तान डेडलाइन दे अक़वामे मुत्तहिदा को, अगर तुमने मिसाल के तौर पर एक महीने तक कश्मीरियों के अपनी आजादी की खातिर वोट ना कराए तो फिर पाकिस्तान की फौज अक़वामे मुत्तहिदा के किसी कानून को सामने नहीं रखेगी और कश्मीरियों की आजादी के लिए पाकिस्तान की फौज को कश्मीर की वादी में दाखिल कर दिया जाए। हुकूमत पहले डेडलाइन दे अक़वामे मुत्तहिदा को और डेडलाइन देने के बाद यह वाज़े करे कि अगर तुम हमारे कश्मीरी भाइयों के खून का कोई तकद्दस नहीं समझते तो फिर हम तुम्हारे इन जाब्तों का कोई तकद्दस नहीं समझते। तुमने खुद करारदादे मंजूर कर रखी हैं कि कश्मीर का फैसला कश्मीरियों की राय के मुताबिक होगा, तो इतने साल गुजर गए, 68 साल गुजर गए, कश्मीरी अपने खून से, अपने जनाजों से अपनी जवानियां कुर्बान करके वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। लिहाजा अब फैसला कुन ऐलान किया जाए कि फलां तारीख तक पाकिस्तान ऐलान करे कि अक़वामे मुत्तहिदा अपनी करारदादों को अमली जामा पहनाए, और अगर अमली जामा वो यूनाइटेड नेशन नहीं पहनाती तो फिर कुरान के हुक्म के मुताबिक, इस्लाम के हुक्म के मुताबिक जो जिहाद के फर्ज होने के असबाब हैं वो सारे मकबूजा वादी में मौजूद हैं। वहां जिस अंदाज में मुसलमानों के खून की होली खेली जा रही है और जिस अंदाज में इस्लाम और मुसलमान होने को एक जुर्म करार दिया जा रहा है, तो पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान की हुकूमत पर कुरान के नुक्ता नजर से लाजिम आता है। यूनाइटेड नेशन के बनाए हुए जाब्ते कुरान के बाद है, पहले उन्हें खुद उनके उसूल का हवाला देकर उन्हें कहा जाए कि कश्मीर के बारे में जो करारदादें मंजूर की गई हैं उन्हें अमली जामा पहनाओ, और अगर नहीं पहनाओगे तो फिर हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। फिर पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान की हुकूमत ये इजाजत दे, और जब आर्मी मकबूजा कश्मीर का रुख करेगी इंशाल्लाह लाखों लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वाले भी साथ हो जाएंगे। या रब या दिल मुस्लिम को, या रब या दिल मुस्लिम को, वो जिंदा तमन्ना।